इनकी पोस्टर से क्या पता लग रहा है इनको क्या दिक्कत है? गाउट है या कुछ और है? गाउट नहीं है। जब किसी व्यक्ति का ऐसा पोस्चर हो जाता है, कोई व्यक्ति ऐसा होता है और ऐसा व्यक्ति को ऐसा पोस्चर हो जाता है, तो कौन सा है ये, किस में? एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। कौन सा? एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक है। क्या है इनको? और एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में क्या क्या होता है डॉक्टर साहब, क्या क्या होता है? बैक पेन वगैरह सारा बताइए ना। बैक पेन होता है और स्टीफनेस आ जाती है। सबसे ज़्यादा क्या आता है? स्टीफनेस। सबसे पहला स्टीफनेस कहाँ कहाँ आती है? गर्दन से लेके पूरे नीचे हिप जॉइंट्स तक, मतलब कमर तक। और सबसे ज़्यादा कहाँ आती है? कमर में, लंबर एरिया में, ठीक है। आपको कहाँ कहाँ है? टेल बोन में रहेगा, ठीक है। तो कहाँ कहाँ रहेगा एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में, कहाँ कहाँ दिक्कत रहेगी? सबसे पहले कमर दर्द, मतलब स्टीफनेस रहना। इसमें जो मेन सिम्टम्स हैं जो मुख्य रूप से पाए जाते हैं वो क्या क्या हैं? जैसे किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति रात को सोया और सुबह उठा तो बहुत ज़्यादा स्टीफनेस रहना, अकड़न रहना। आगे उसने छींक मारी तो छींक मारने में कमर में दर्द आ जाना, खांसी करने में कमर में दर्द आ जाना, नेक में दर्द रहना, इधर डोर्सल थोरेसिक एरिया में दर्द रहना, नीचे लंबर एरिया में दर्द रहना और सारा स्टीफनेस रहना, ठीक है। कोई व्यक्ति एक्सरसाइज करेगा और उससे क्या हो जाएगा कि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, अच्छा फील करेगा फ्री, लेकिन उसके दो चार पाँच छः घंटे बाद फिर वो वैसा ही फील करना। और ये क्या है? एक अर्थराइटिस का स्वरूप है। क्या है ये? एक अर्थराइटिस का स्वरूप है। और इसमें व्यक्ति की पोस्चर कैसा हो जाता है? व्यक्ति का पोस्चर ऐसे टिल्ट हो जाता है, और जब बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है तो उसकी गर्दन की मूवमेंट क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, बिल्कुल बंद हो जाता है। जैसे उसको बोलोगे कि आप राइट देखो, गर्दन घुमाओ राइट में, तो कैसे घूमेगा? आंखों से, आंखों से घूमेगा। देखो ऐसे आंखों से घूमेगा या फिर ऐसे घूमेगा, या फिर लेफ्ट देखो तो आंखों में से, आंखों से ऐसे देखेगा, ऐसे लेफ्ट या फिर ऐसे देखेगा। अब उसको बोलो कैसे अपनी गर्दन पीछे करो तो वो पीछे नहीं जाएगी, तो कैसे होएगी? ये देखो ना, ऐसे होगा वो बंदा, कैसे होगा? ऐसे। अब वो कहेगा आगे देखो नीचे अपने पैरों को, हाँ जी ऐसा ही है। आपकी गर्दन तो अभी फ्री है, हाँ, थाई जॉइंट्स में भी दर्द आ जाता है, लोअर बैक में दर्द आ जाता है, और जो छाती है, छाती भी कड़क हो जाती है, हैवी हो जाती है, एकदम हैवी। धीरे धीरे पेट भी पकड़ने लग जाता है, धीरे धीरे पेट भी पकड़ने लग जाता है। और ये सही टाइम पे अगर नहीं, सही टाइम पे अगर नहीं पकड़ गया ये बीमारी, और इसमें जब पोस्चर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो फिर गर्दन कितनी उठ जाती है व्यक्ति की? फिर गर्दन ये छोड़ो, आप हाथ छोड़ो, फिर व्यक्ति की गर्दन इतनी उठ जाती है। जैसे इनकी बहुत कम है लेकिन इतनी उठ जाती है। अब देखो हाथ यहाँ रखो, अब मैंने इनको पकड़ा तो अभी इनका ये जो पीछे का एरिया है वो सारा उठ रहा है अपने आप, देखो पूरा उठ रहा है, मतलब पीछे का एरिया इनका। अब ये देखो कहीं भी मूवमेंट स्पाइन का क्या हो गया इनका? ब्लॉक हो गया, जाम हो गया। अब वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है, एकदम मूवमेंट इनका ख़त्म हो गया। अब पेट के बल लेटो। एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में हमें देखते हैं, उसमें क्या देखते हैं कि ये जो एरिया है इनका सर्वाइकल से और सैक्रल तक, ये क्या हो जाता है? एकदम बिल्कुल टाइट हो जाता है, जैसे एकदम लकड़ी बन गई, काठ बन गया काठ। अब ये देखो अगर हम इधर हाथ लगा रहे हैं, सब हाथ लगाओ अपने अपने जैसे, तो अभी क्या फील कर रहे हैं ये? स्टिफनेस। ये क्या फील कर रहे हैं अभी? मसल में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी एकदम समाप्त हो गई, एकदम दी एंड हो गई। और ये एरिया कैसा हो गया? कितना हार्ड है ये? कितना हार्ड है? एक लिमिट से ज्यादा हार्ड है ये, कितना हार्ड है? अब हमें क्या करना है कि जो ट्रीटमेंट देंगे उससे इस पूरे एरिया को हमने क्या करना है? सॉफ्ट बनाना है, स्टिमुलेट करना है, एक्टिवेट करना है। उससे क्या होगा कि ये सॉफ्ट होंगे तो ये झुकने में, चलने में, रात को सोने में, इनके पोस्चर में, सब चीज़ों में क्या होगा? आराम लगेगा, इनको अच्छा लगेगा। और इसको तोड़ने के लिए अब हमने क्या करना है? इसको सॉफ्ट करने के लिए सबसे पहले जो हम घरेलू नुस्खा बताते हैं वो क्या है अली? क्या है? सिकाई। किसकी सिकाई है? 3 किलो क्या लेना है? काला नमक। उसको लोहे की कढ़ाई में कुटा हुआ, पिसा हुआ,
तवे की कढ़ाई में क्या करना है, गरम करना है और अच्छा खासा, और उसको सूती कपड़े में डालना है और उसकी पोटली बनानी है। और पोटली बना के क्या करना है, इसकी सिकाई करनी है, इसमें एक सूती कपड़ा डाल लेना है और इसकी पोटली से ऐसे सिकाई करनी है पूरी, ठीक है। पहला हाँ, खाली सेंधा ही नमक लेना है, ठीक है, दूसरा नहीं लेना। दूसरा फिटकरी और नमक लेना है 20 लीटर पानी में, 100 ग्राम फिटकरी 100 ग्राम नमक डालना है, सेंधा नमक, उसको उबाल के बढ़िया 20 लीटर पानी और मिला के कोसा कोसा पानी इस पर क्या करना है, इस पर गिराना है। उससे इसका क्या होगा, कड़कपन टूटेगा, सॉफ्टनेस आएगी, ठीक है। ये कड़कपन क्या होगा, कड़कपन टूटेगा। बाद बाकी हमारी क्या है, हमारी हम थेरेपी देंगे। और इसका इसका कॉजेज क्या होता है, इसका कारण क्या होता है डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा क्या कारण है इसका, नहीं ये जेनेटिक भी हो सकता है, ये जेनेटिक भी हो सकता है, HLA है जी। अब ये होता क्या है, होता क्या है, ये आपने देखा पानी होता है, पानी पानी के ऊपर काई जम जाती है तो एक परत जम गई ना, वो पानी के ऊपर काई की एक परत जम गई, इसमें क्या होता है, कैल्शियम निकल के हड्डियों से, हड्डियों के ऊपर कैल्शियम जम जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, कैल्सिफिकेशन, ठीक है। यही इसका सबसे बड़ा कारण है, जो कैल्सिफिकेशन हो जाता है, ये कैल्शियम की एक परत जम गई है जो ऐसे कर रहे हैं, तो ये देखो ये पूरा कड़क एकदम खतरनाक कड़कपन आ रहा है ना, ये खड़क बहुत ही खतरनाक कड़कपन, यही वो कैल्सिफिकेशन है जिसके कारण यह दिक्कत हो रही है। तो इसी कैल्सिफिकेशन को अब हमें तोड़ना है और वर्टिब्राओं को सॉफ्ट करना है। अब ये हमारी उंगलियां हैं, अब इस इन उंगलियों को हम ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं तो ये चल रही हैं, लेकिन यही चीज़ एकदम कड़क हो जाए, उसके बीच में हमने कुछ भर दिया, ये जो कैप है इसके बीच में कुछ भर दिया हमने और भर के उसको कड़क कर दिया, सुखा दिया, तो ये मेरी उंगलियां से चल जाएंगी, मूवमेंट इनका ख़त्म। ऐसे ही इसका सिस्टम है कि इसका मूवमेंट क्या हो गया, पूरा ख़त्म हो गया। इसी को क्या बोलते हैं हम, एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, उसका दूसरा नाम क्या है, बैम्बू स्पाइन। और बैम्बू क्या होता है, बैम्बू क्या होता है, बैम्बू को किसको बोलते हैं, बैम्बू हम बांस को। तो कभी देखा आपने, बांस ही सीधी तो नहीं जाती ना, जब लंबी हो जाती है तो बैंड हो जाती है, मुड़ जाती है, तो इसी को बोलते हैं बैम्बू स्पाइन। मतलब इस तरीके से ये क्या है, ये पोस्चर को कौन सा पोस्चर बोलते हैं, बैम्बू स्पाइन, पोस्चर के कारण इसका नाम पड़ा है बैम्बू स्पाइन। वैसे बीमारी कौन सी है, एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, बस उठ जाओ जी।